ऐसे देख सकते हैं आग इस तरह जलाया जाता है बरसात के दिनों में, देखते हैं बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था इसलिए हम लोग अभी चिकन मोमोस अभी लेने जा रहे हैं यहाँ पर। गाइस इस तरह का रास्ता है यहाँ पर जाने के लिए। तो गाइस देख सकते हैं ये है अम्बेक का व्यू पॉइंट जहाँ पर लिखा हुआ है आई लव अम्बेक। सो गाइस इस अम्बेक से होते हुए हम लोग अभी जा रहे हैं पापड़ खेती की यात्रा में। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर बहुत जोरों से बारिश हो चुकी है और बहुत जोर से बारिश होने के कारण से अभी रास्ता वगैरह भीगा हुआ है। सो गाइस बने रहे मेरे साथ और जो कोई मेरे चैनल से आज नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और विशेष करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें गाइस, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही आज इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बारिश होने के कारण से रोड भीगा हुआ है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी पापड़ खेती में। सो बने रहिए, जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें गाइस। तो फाइनली गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं आगे में जो आपको दुकान वगैरह दिखाई पड़ रहा है उस रास्ते से, नीचे के रास्ते से होते हुए हम लोग जाएंगे पापड़ खेती का वाटरफॉल पे जहां हम लोग आज स्विमिंग करेंगे गाइस। सो हम आगे में ये पार्क कर लेते हैं अपना बाइक वगैरह। सो हम लोग कंटिन्यू अपना जो यात्रा है उस यात्रा को करेंगे। हम आगे में देखते हैं कहाँ किसी जगह पे अपना बाइक वगैरह रख लेते हैं, पार्क कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने अपना बाइक पार्क कर लिया है। सो अभी यहाँ जाएंगे यहाँ से। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी नीचे, हमें जो पापड़ खेती का वाटरफॉल है वहाँ पर अभी जाने को मना ही है, बंद किया गया है अभी, क्योंकि कल के दिनों में यहाँ पर थोड़ा सा कितने व्यक्ति डूबने वाले थे। सो हम अभी उन लोगों के कारण से, हम लोग तो एक्सपर्ट है, पीछे में देख सकते हैं ये गैंग सब आ रहे हैं आस्ते से। हाँ और ये मंदीप भाई नीचे उतरता हुआ आप देख सकते हैं गाइस। गाइस इस तरह का रास्ता है यहाँ पर जाने के लिए। और ये छोटा डॉन भी आ गया। अरे छोटा डॉन क्या हुआ? इस तरह का रास्ता है यहाँ पर। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। तो फाइनली गाइस हम आ पहुंचे हैं अभी देख सकते हैं यहाँ पर। चले गए हम लोग पहुँच चुके हैं अभी पापड़ खेती पे। सो हम लोग अभी देख सकते हैं पीछे पे यहाँ पर हम लोग स्विमिंग करेंगे। और ये है अजीत जो अभी परोस रहा है मोमोस। अभी हम लोगों ने मोमो लेके आए हैं यहाँ पर खाने के लिए क्योंकि ठंड ज़्यादा है। जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, नहीं तो नहीं बचेगा, बाद में मत बोलना कि नहीं बचा है बोल के। आ जाओ आ जाओ। बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था इसलिए हम लोग अभी चिकन मोमोस अभी लेने जा रहे हैं यहाँ पर। चलो भैया शुरू हो जाओ, चल 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 भैया, गरम गरम मोमो। मेरा मोमो बढ़िया है। ये सबसे बड़ी मुश्किल का काम है आग जलाना, वो भी जब बारिश हो के रुकने के बाद में। सो ये कार्य कर रहा है अजीत देख सकते हैं। और इधर भी प्याज वगैरह मसाला वगैरह बन रहा है, बनाया जा रहा है। सो जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमें जल्दी लौटना भी है। गाइस देख सकते हैं आग इस तरह जलाया जाता है बरसात के दिनों में। तो गाइस देख सकते हैं ये बन रहा है पंकन, इसके खाने के शौकीन हैं तो आ सकते हैं यहाँ पर खाने के लिए। ये बन चुका है गाइस, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ा आने वाला है। जो भी फोक लवर है उनको जरूर है, उन लोगों के मुंह पे पानी आ रहा होगा। मुझे भी पानी आ रहा है मेरे मुंह पे, पानी आ गया यहाँ पर, ज़्यादा पानी हो गया इसलिए आग जला रहा हूँ मैं। तो फाइनली गाइस ये तैयार हो चुका है। ओह गिफ्ट का है रेडी, पहले गाइस ये हो चुका है। आप हम इसे अभी जाएंगे लेने के लिए। ये तैयार है खाने के लिए। ओरे भाई
आ जाओ जल्दी यहाँ पर। देख सकते हैं गैस ये तैयार हो चुका है, ये गर्म है, साइड से साइड में रख देते हैं अभी, आ जाओ। तो गैस ये लेने जा रहा हूँ मैं, अब जैसे बहुत ही स्वादिष्ट सब पे ले रहा है गैस। अच्छा स्वाद बता दो, एकदम स्वादिष्ट। आप लोग आते तो अमृत आ जाता तो गैस फाइनली ये तैयार हो चुका है। बहुत मुश्किल के बाद में हम लोगों ने बारिश के समय में भी इसे जला के अभी बना लिया है। सो देख सकते हैं गैस ये आग बहुत ही अच्छी तरह से जल रहा है और ये तरकारी बहुत ही सुंदर तरीके से बन चुका है। सो गैस अभी हम इसे लेने जा रहे हैं, सो बने रहिए मेरे साथ। तो फाइनली गैस तैयार हो चुका है आज हम लोग का ये खाना, देख सकते हैं गैस अब हम लोग इसे लेने जाएंगे। बहुत ज़ोर से भूख लगी है, सो गैस हम इसे लेने जा रहे हैं। ये भाई शुरू हो गया है, उसे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी इसलिए वो पहले शुरू हो गया है। इधर में धीरे धीरे से शुरू करेगा अभी। तो देख सकते हैं गैस यहाँ पर दुआस के पार्टी सब हम लोग, ये लोग भूखे प्यासे हैं और लग चुके हैं खाने में। देख सकते हैं यहाँ पर आपकी पानी ले। तो गैस लेने जा रहे हैं, तैयार हो चुका है। तो गैस मैं अभी लेने जा रहा हूँ, बहुत ही स्वाद है। ये वही जगह है जहाँ पर हम लोग स्विमिंग करेंगे अभी। हम लोग आए थे पापड़खेती के वाटरफॉल पे, लेकिन वो वाटरफॉल अभी बंद किया गया है, लेकिन हम पापड़खेती के नीचे वाले जगह पे ही हम लोग अभी स्विमिंग करेंगे गाइस। तो फाइनली गैस हम लोग का जो आज का टूर था वो खत्म हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं अभी। देख सकते हैं गैस इस हफ्ते होते हुए हम अभी जाएंगे। सो गैस आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा सो जरूर कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए जो भी मेरे चैनल से आज नए जुड़े हैं। सो गैस आपका प्यार आपका सपोर्ट यूँ ही कीजिए मेरे चैनल पे। इस रास्ते से होते हम लोग जा रहे हैं, ये रास्ता इस तरह का और ये जनाब साहब भाई साहब जा रहे हैं। ऊंचाई में चढ़ना पड़ रहा है और उतरने टाइम में हम लोग डाउन उतर के आए, अभी ऊंचाई चढ़ना पड़ रहा है। पीछे वजह से देखा जिस तरह का इसे में पैर एकदम लटका रहा है कान के कारण। तो फाइनली गाइस जो हम लोग का आज का जो यात्रा था, जो हम लोग का जो ट्रिप था वो ख़त्म हो चुका है। सो हम अभी जा रहे हैं अपने घर की ओर। देख सकते हैं यहाँ का रास्ता एकदम ढलान है, सो हम लोगों को यहाँ पर चढ़ने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, सांस वगैरह फूल रहा है।
क्योंकि ये ऊंचाई है, ऊंचाई पे चढ़ने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है गैस। ओ भाई जल्दी जल्दी चलो, जल्दी घर जाना है। मेरे आगे देख सकते हैं गैस अजीत मंदिर और यहाँ पर रौनक है। सो गैस आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा सो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गैस। गैस हम अभी निकल चुके हैं रास्ते पे, बहुत ज़ोर से थकान हो रही है अभी क्योंकि हम लोग चल के आए हैं। आप पीछे में देख सकते हैं ये हम लोग का बसंती, थक गए यार, बहुत ज़्यादा थक गए।